वेलकम टू सरे स्टॉक्स। हम सब लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए काम भी करते हैं। जब हम इस गोल्स के लिए काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सिचुएशंस हम फेस करते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस देखते हैं जहां पे डिफरेंट तरीके के इमोशंस हमारे अंदर उठते हैं और ये इमोशंस कहीं ना कहीं गोल की अचीवमेंट को अफेक्ट करते ही करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरह से नेगेटिव इमोशंस और साथ ही साथ पॉजिटिव इमोशंस आपके गोल्स अचीवमेंट में हर्डल्स बन सकते हैं और इनसे हम लोग को कैसे बचना चाहिए, किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए। ये वाला सिचुएशन समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप किसी जर्नी पर निकले हो और उस जर्नी को आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पे कवर करना है। जब आप उस जर्नी पर निकले हो तो आप जिस रास्ते से जा रहे हो आपने देखा उस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत गंदा रास्ता है और कहीं पे लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब अगर आप हर एक जगह पे जहां पे गड्ढे दिखते हैं, जहां पे लाइटिंग नहीं दिखती है, जहां पे आपको रास्ता खराब मिलता है, अगर वहां पे आप रुक जाते हो और हर चीज पे आप गुस्सा करते हो या इरिटेट होने लगते हो या नेगेटिवली रिएक्ट करने लगते हो तो आप जो टाइम जर्नी करने पे लगाने वाले थे उस टाइम को आप यहां पर वेस्ट कर दोगे और अल्टीमेटली अपने गोल्स तक पहुंचने में डिले कर दोगे। हो सकता है आप गोल्स को पहुंच ही ना पाओ, मिस कर जाओ। ये नेगेटिव साइड है। अगर नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो किस तरह से नेगेटिव इमोशंस आपके गोल्स अचीवमेंट में अफेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से पॉजिटिव इमोशंस भी आपके गोल्स के अचीवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? मान लो उसी जर्नी में आप जाते जाते आपने देखा कि एक रेस्टोरेंट पड़ता है, आप उस रेस्टोरेंट में घुस गए, आप उस रेस्टोरेंट में बैठे, खाना खाया और आपको खाना बहुत पसंद आया, आपको बहुत अच्छा फील हुआ। और अगर उस अच्छे फीलिंग से आप ऑब्सेस्ड हो गए, उस अच्छे फीलिंग को आप बार बार लेने की सोचने लगे और उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसी रेस्टोरेंट में रुक जाते हो। और आप अगर उसी रेस्टोरेंट में उसी एक फीलिंग के लिए रुक जाते हो तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंचते। भले ही आपको अच्छा फील हो रहा है लेकिन आप अपने गोल्स को मिस कर जा रहे हो। ये छोटा सा जो एग्जांपल दे रहा हूं उसमें समझाना क्या चाहता हूं, जब हम लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे चीजें ऐसी होंगी जो हमें पसंद नहीं है, ऐसी चीजें होंगी जिससे हम इरिटेट होते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते, हेट करते हैं। लेकिन अगर हम हर सिचुएशन में जिस चीज को हम हेट करते हैं, इरिटेट होते हैं, उस पर अपना फोकस डाल देंगे और वहीं पर लगे रहेंगे कि ये मुझे नहीं पसंद, वो मुझे नहीं पसंद, तो आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे और आपके गोल को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो एक टाइम के बाद आपके से दूर हो जाएगा और आप अचीव नहीं कर पाओगे। सेम इसी तरह से पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड मान लो आपकी लाइफ में आप गोल्स के लिए काम कर रहे हो, कोई ऐसा सिचुएशन आया जहां पे बहुत प्लेजरेबल फीलिंग है, किसी की शादी है, किसी के घर में फंक्शंस है, आप एक दिन गए, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आप ये फंक्शंस को फील करने में ऑब्सेस्ड हो गए और आपको हमेशा लगा कि आज भी और एक शादी होता या किसी दोस्तों के साथ घूमने चला जाता अच्छा फील होगा, तो इस अच्छे फीलिंग के चक्कर में आप क्या करोगे, अपना जो टाइम गोल अचीवमेंट में लगाने वाले थे आप उसको इन सब चीजों में लगाओगे और आपका गोल तब भी नहीं देखेगा कि आपको अच्छा फील हो रहा है या बुरा, वो एक टाइम के बाद आपसे दूर हो जाएगा। आपके गोल को ये नहीं फर्क पड़ता कि आप अच्छा फील कर रहे हो बुरा फील कर रहे हो, आपके इमोशंस अच्छे हैं या बुरे हैं, उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आप उस गोल तक पहुंचे या नहीं। और पहुंचने के लिए जर्नी कंटिन्यू करनी जरूरी है और ये तभी कर सकते हो आप जब आप नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस दोनों से दूर रहो, उन चीजों को थोड़ा सा दूर रख के देखो कि ये जो इमोशंस है वो एक सिचुएशन के साथ आए हैं और ये सिचुएशन हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली, लेकिन हमारा गोल हमारे लिए आगे है और वो अचीव करने के लिए हमें जर्नी करनी पड़ेगी। तो याद रखो कि इमोशंस को कंट्रोल में रखो या इमोशंस से बह मत जाओ कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक टाइम के बाद चली जाएगी। गोल्स पे फोकस करो, जर्नी पे फोकस करो और वंस आप जर्नी कवर कर लोगे तो आपको ये इमोशंस और मैटर ही नहीं करेंगे क्योंकि आप गोल अचीव कर चुके होगे और जो आप चाहते थे वो आपके लाइफ में आ चुका होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था ये बताने के लिए कि कभी भी हम अगर गोल सेट करते हैं तो हमें अपना फोकस गोल पे रखना चाहिए, ना कि बाकी चीजों पे जो आपको थोड़ी टाइम के लिए खुशी या दुख दे रहे हैं, बिकॉज आप उन पे ध्यान दोगे तो गोल्स अचीव नहीं होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अब तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, स्टे फोकस्ड, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।